आज हम बनाएंगे गुजरात की फेमस रेसिपी खट्टा मूंग की सब्जी। आप इसे मूंग की कढ़ी भी कह सकते हैं। और आपको जब भी बटर मिल्क की कोई सब्जी खाने की इच्छा हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने कुकर में 1 कप हरा मूंग ले लिया है, जिसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो मैंने इसे वॉश कर लिया है और अब हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मूंग में 2 कप पानी डाल रही हूँ और इसमें 1/2 टेबल स्पून हम नमक डाल देंगे और 2/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। और अब हम इसे लो फ्लेम पे 1 विसल आने तक हम इसे बॉईल कर लेंगे। और अब 1 विसल हो चुके हैं, हम मूंग को चेक कर लेंगे ये अच्छे से पका है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मूंग जो बहुत अच्छे से पक चुका है। और अब मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है और अब हम इसमें 1.5 ग्लास बटर मिल्क ले लेंगे और मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून बेसन डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून नमक और 2/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बटर मिल्क बहुत अच्छे से उबलने लग गया है और अब हम इसमें बॉईल किए हुए मूंग को भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट्स के लिए और बॉईल कर लेंगे। और अब 5 मिनट्स हो चुके हैं, मूंग भी है बटर मिल्क के साथ अच्छे से पक चुका है और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन पे 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून सरसों डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून जीरा और यहाँ पे मैंने 3 लाल मिर्च ले लिया है, हम इसे भी डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 पिंच हींग ले लिया है और 2 स्प्रिंग करी लीव्स। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम तड़के को खट्टा मूंग में डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा खट्टा मूंग बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।